वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैंने जिक्र किया था कि मैं आई हुई हूँ इधर अपनी भांजी के पास, उसकी वो है क्या से बेबी की डेडिकेशन है तो खुशी, तो उस पर आई हूँ। तो अभी ये हॉल में हम आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको भी ले चलती हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और खुश रहें। चले मैं कैमरे को राउंड करके आ रहा हूँ। ये देखें वो डेकोरेशन की हुई है, छोटा बेबी है वो अभी 1 महीने का हुआ है, तो आज उसकी डेडिकेशन थी। ये माम है, डैड है, ये नाना साहब खड़ी हैं, नाना साहब खड़ी हैं, ये इसका नाम भी स्केल है, ये इसका केक है, इसका केक है, वीडियो बनते रहते हैं मेरे चैनल वास्ते मेरे वीडियो। लंदन जा रही हैं, तो जो सारे लोगों ने उनके लिए कि जितनी देर वो यहाँ रही तो अब जा रही हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये केक तो वो केक काटे। जब हम ये केक खाएं तो ताकत हासिल करें, अपने नेक और जलाली कामों में खर्च करें। मैंने इस प्रार्थना को सुन और मांगता हूँ तो इस मसीह के नाम से।
और मैंने क्या बनाया ये भी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया। ये हलवा है, ये मैंने बनाया है, ये सैलड है, ये भी मैंने बनाया है, ये आलू गोभी सोनिया ने बनाई है, ये पूड़ियाँ और नान है ये मैंने तैयार किए हैं, ये जो है चने हैं पूड़ियों के साथ खाने के लिए ये मैंने बनाए हैं, ये इसके अंदर चिकन है ये सोनिया ने बनाया है उसकी माँ बेबी की मामा ने, और ये चावल हम दोनों ने बनाया जो जो अवेलेबल था उसने। ये इनका किचन है, आपको दिखाते चलूँ, ये सारा कुछ इधर सेट करके रखा हुआ है, ये सब जी बोलो की कहना चाह रहे हो। मैं कहना चाह रही हूं जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੋਨਟ ਫਰਗੇਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਟੱਲੀ ਵਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। फैमिली के साथ बनाई है, ये जो सोनिया जिसके बेटे की डेडिकेशन पे मैं आई हूँ, अभी मैं आपको डेडिकेशन का मतलब ही बताती हूँ। ये दाऊद के बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा इनका प्यार था आपस में, तो मैं इसलिए आई हूँ उसके बेटे की डेडिकेशन थी। डेडिकेशन होता है जब हम बच्चों को खुदा के लिए मखसूस करते हैं, तो वो इसलिए होता है, फिर सब दुआ करते हैं कि वो खुदा में आगे बढ़े, अच्छे हों, नेक हों, उनके नसीब अच्छे हों। डेडिकेशन ये होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और खुश रहें जहाँ भी रहें। ऊपर वाला जो हमें औलाद देता है ये उसकी बहुत बड़ी देन होती है, तो हमें हर एक की औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो नेक हों और खुदा के रास्ते पे चले, अपने लिए दूसरों के लिए बाय से रहमत हो, बाय से जहमत ना हो। तो चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहें, ऊपर वाला सबका निगेबान, बाय।